हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की मैं स्पेशल वीडियो हमारी स्पेशल सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2021-22 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है इसकी बना रहा हूँ। प्लस यहाँ पे आइस स्लश मशीन है, स्नो मेकर मशीन है, इसकी वीडियो बना रहा हूँ आज स्पेशली। हमारे यहाँ गुजरात भावनगर में फैक्ट्री पे एक कस्टमर आए हुए जबलपुर MP से, जिन्होंने पहले यूट्यूब पे हमारा इंक्वायरी किया हुआ था और आज स्पेशल विजिट के लिए आए। मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे चलती है और मशीन में क्या क्या खासियत है वो लाइव डेमो के लिए आए हुए सर। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? सजल जैन। सजल जैन, और सर कहाँ से आप? जबलपुर। जबलपुर MP से आए। अच्छा, और आपने सर हमारी वीडियो कहाँ पे देखी सर? आपने यूट्यूब में वीडियो देखी थी, उसके बाद आपने हमारी कंपनी में कॉन्टेक्ट किया होगा। अच्छा, आप यहाँ पे फैक्ट्री पे आए विजिट के लिए। अच्छा, और सर आप यहाँ फैक्ट्री पे आए तो आपको सर हमारा काम जेन्युइन लगा, ओरिजिनल लगा काम? जेन्युइन। ऐसा कोई दंगे का, फ्रॉड का ऐसा कुछ काम दिखा आपको? नहीं, ओरिजिनल जेन्युइन लगा काम हमारा सर। अच्छा, और कौन सी मशीन के लिए आए सर? मैं सॉफ्टी मशीन के लिए आया था, लेकिन मुझे क्लीनिंग मशीन दिखाई तो उसमें इंटरेस्ट आया कि ये भी नई नया आइटम आया तो देखना बनता है। अच्छा, तो स्नो वाली भी दिखाई, स्लश वाली, तो इसके लिए भी आप इंटरेस्टेड है इसलिए। अच्छा सर, स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के लिए आए थे, लेकिन हमने इनको स्नो वाली मशीन दिखाई तो इनका भी हम डेमो दे रहे हैं सर को। सर डेमो टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, फिर आगे का जो भी हो डिसीजन लेंगे। वैसे सर आपका कंसेप्ट क्या है? सर एक्चुअली मुझे मेरे कॉन्सेप्ट है, मेरे को सॉफ्टी प्लस साथ में सोडा की और भी डिफरेंट चीजें जो आती हैं। अच्छा, वो चफा गुजरात में फेमस है। अच्छा, वो चीज लानी है और भी जो फूड देखना है मुझे अलग टाइप का कुछ, जो अच्छा, मेरे यहाँ पे और MP होता चलता ना हो, तो वो कुछ नया ट्राई करना है कि थोड़ा चालू हो ट्रेंड नई चीज। अच्छा, इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट में जाना है आपको। न्यू कॉन्सेप्ट। और आप मेरे को बता रहे थे जैसे कि आप फ्रेंचाइजी बेस काम करेंगे। जी जी, बिल्कुल। जैसे कि आप खुद फ्रेंचाइजी डालेंगे और दूसरे लोगों को भी आगे कस्टमर को भी फ्रेंचाइजी बना के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कॉन्सेप्ट। और तो हमारे सर MP, जबलपुर और इंदौर, वहां पे खुद के सबसे पहले दो फ्रेंचाइजी स्पॉट डालने वाले हैं। खुद के एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे जो पूरा कवरिंग करके बना के सब फूड एरिया सब उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे अलग अलग को बना के देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, फ्रेंचाइजी लेनी है, तो डायरेक्टली MP से है अगर आप, तो हमारे कस्टमर सर का हम आपको नंबर देंगे, तो आप डायरेक्टली इनको कॉन्टेक्ट करके आप डायरेक्ट अपना खुद का फ्रेंचाइजी भी ओपन कर सकते हो और हमारे सर आपको पूरा फ्रेंचाइजी क्रिएट करके बना के देंगे उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हमारे सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डालते हैं, तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी डालने के लिए, क्योंकि हम तो ओनली मशीन सेल करें लेकिन सर आपको पूरा फ्रेंचाइजी बना के कंप्लीट करके देंगे, तो हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टाइम गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा हम आपको नॉर्मल जनरल जानकारी मशीनों के बारे में डिटेल्स देते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मैं सॉफ्टी आइसक्रीम की बात करूं दोस्तों, तो यह आइसक्रीम मशीन हमारी 2021-22 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है और इसके अंदर इस तरीके का पाउडर आपको गुजारना है। ये 200 रुपए का 1 किलो पाउडर रहता है, इसके अंदर 4 लीटर मिल्क लगाना है। जिस टाइप का ऐसा मिल्क रहता है क्रूल क्रीम, ऐसा मिल्क लगाना है 4 किलो, 4 लीटर मिल्क लगाना है, 1 किलो पाउडर। इसके अंदर से आपको 110 से 115 का कोन निकलने का बैकअप मिलेगा। 200 रुपए का पाउडर हो गया, 240 रुपए का मिल्क हो गया, 440 रुपए के अंदर आपको 110 कोन बनेगा। इसलिए एक कोन का खर्चा कम से कम को 4.20 रुपए में एक कोन गिरता है, प्लस कोन का, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेंटेन का, सब पकड़ के गिनेंगे तो 5 से 5.5 रुपए में एक कोन बनाने का खर्चा जाएगा। रिटेल प्राइस 15 रुपए में एक कोन बिकता है दोस्तों, तो एक कोन पे आपको मैक्सिमम 9 से 10 रुपए तक का प्रॉफिट इन कर सकते हो बिजनेस में। और ये स्लसी की बात करेंगे दोस्तों, तो स्लसी के अंदर इस टाइप का फ्लेवर हम फिलअप करेंगे, ये फ्लेवर रहता है स्लसी का। इसके अंदर आपको 70 रुपीज का एक पैकेट आता है, इसके अंदर आपको 5 किलो चीनी जाता है, 200 रुपए का चीनी, 70 रुपीज का पैकेट है। 270 रुपए के पैकेट के अंदर आपको 270 ग्लास 200 ml का निकलता है। एक ग्लास बनाने का खर्चा आपको 1 रुपए का खाली रॉ मटेरियल और 50 पैसे का ग्लास और 50 पैसे का रॉ मटेरियल जाता है इसके अंदर। इसलिए 2 रुपए के अंदर लैंडिंग जाता है और 20 रुपए तक ये ग्लास एक बिकता है बाजार में। तो दोस्तों, मैं आपको इसको वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहे तो मैं मटेरियल कैसे बनता है, कैसे चलती है और कैसे मशीन में से गुजारनी और कैसे इसमें से निकलता है मटेरियल, तो हम आपको वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको 4 लीटर मिल्क लिया, इसका 4 लीटर मिल्क लिया, तो वो बैग में अपने डाल देंगे 4 लीटर मिल्क। यहाँ पे हमने टब लिया हुआ है, बाउल है, इसके अंदर हम 4 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे। हमने फ्लेवर लिया है, वेनिला का फ्लेवर है, वेनिला का फ्लेवर हम डालेंगे इसके अंदर। 1 किलो का पाउडर है वेनिला का, वो डाल देंगे इसमें।
अभी हम इसको मेल्ट करेंगे, इसमें हमने पाउडर लगा दिया है, वॉशर फ्लेवर मिक्सचर है, इसको हम तो वॉश कर दिया है, अभी इसको हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। मिल्क और पाउडर अच्छे से मेल्ट हो जाए वैसा मिक्सिंग कर देंगे इसको। मेल्ट हो चुका है प्रॉपरली, अभी हम इसको मटेरियल रेडी हो चुका है मटेरियल, अभी हम इसको बाउल में टैंक में डाल देंगे इसको। हाफ मटेरियल इसमें डालेंगे और हाफ इसमें डाल देंगे, आप इसमें दोनों में अलग अलग भी बना के डाल सकते हो। अभी हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं इसलिए दोनों में आधा आधा मटेरियल फिलअप कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा वॉश का बटन करके थोड़ा लाइन में ले लेंगे। इसको लाइन में ले लिया हमने, अभी यहाँ पे फ्रीजिंग का बटन है, जब आइसक्रीम जमाना है तब ये फ्रीजिंग का बटन दबा के आपको मशीन स्टार्ट कर देना है। मशीन स्टार्ट हुआ है, अभी मशीन फर्स्ट टाइम 10 से 12 मिनट लेगा आइसक्रीम को जमाने के लिए, और यहाँ पे सब डिटेल टेम्परेचर शो कर रहा है। ये 10 का टेम्परेचर है, ऊपर का टैंक का है जहाँ पे हमने मटेरियल डाला है उसको भी वो चील्ड करेगा। 23 का टेम्परेचर है, वो नीचे यहाँ पे जहाँ आइसक्रीम जम रहा है उसका है, और ये पूरा कोन है उसका सेटअप पूरा बन जाएगा रेडी। जब आइसक्रीम तैयार होगा तब पूरा कोन होकर रेडी हो जाएगा, मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और यहाँ पे 100% आइसक्रीम हो जाएगा 100%। ठीक है, इसको जमने के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे 10 मिनट का टाइम देंगे। अभी उतनी देर में हमारा जो स्लशी मशीन है इसके अंदर हम जो मटेरियल है अभी रेडीमेड हमने फ्लेवर मंगाया है बाजार से, इसलिए हम रेडीमेड फ्लेवर इसमें यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लीची का फ्लेवर है, लीची का फ्लेवर हम इसमें लगाएंगे। फिर वेट नहीं करना है, वैसे भी यही मशीन का काम है कि एक घंटे के अंदर 300 कप या कौन का कैपेसिटी है आपको, एक घंटे में आप 300-350 कौन कप तक निकाल सकते हो। मटेरियल निकालो आइसक्रीम ऊपर से एड करते रहो, यहाँ से आइसक्रीम निकालो यहाँ से डालते रहो, 1 शॉट के अंदर 50 कौन तक आप निकाल सकते हो। एक ही साथ में 50 लोग भी अगर खाने हैं तो आपको रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है। जो मार्केट में बहुत सारी मशीन रहती है 5-7 कौन मार निकालने के बाद आइसक्रीम लूज हो जाती है, दूध निकालने लगती है, तो ये मशीन के अंदर वो चीज़ नहीं है। ये मशीन के अंदर आपको कंटिन्यूसली 50 कौन भी एक शॉट के अंदर आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों 10 से 12 मिनट के अंदर हम फिर से आपके सामने लौटते हैं आइसक्रीम निकाल के, और हमारे सर जो आए उनको आइसक्रीम टेस्ट करा के, और हमारे सर का रिव्यू लेंगे कि उनको टेस्ट कैसा लगा, क्वालिटी कैसा लगा, क्या डिफरेंट लगा हमारी चीज के। अभी आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है और हमारी स्लश भी बन चुकी है, अभी आप देख सकते हैं ये स्लश भी रेडी हो चुकी है, स्नो बन चुका है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम इसमें से आइसक्रीम निकाल के टेस्ट कराएंगे हमारे सर को कि क्वालिटी कैसा है, कैसा टेस्ट लगा इसका। ये वेनिला का फ्लेवर आइसक्रीम तैयार हो चुका है, हार्डनेस भी
हार्डनेस भी अच्छी है ना। ये सर को हमने टेस्ट कराया, इसका सॉफ्टी का आइसक्रीम का भी वेराइटीज टेस्ट कराया, उसके बाद हम थोड़ा स्लस का भी टेस्ट कराएंगे। इसमें रख दीजिए सर को, स्लस भी हम बताएंगे सर को, जो हमने लीची का अपने को डाला इसमें, स्लस भी टेस्ट करवाएंगे। सर इसको टेस्ट कीजिए आप, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। स्नो टाइप का है पूरा, कैसा लग रहा है आपको? पूरा स्नो टाइप का, जैसे कि बर्फ का गोला रहता है वैसा है कि उससे डिफरेंट है? उससे डिफरेंट है, ये ज्यादा क्रश है, ज्यादा क्रश है। बर्फ का गोला थोड़ा सा कम क्रश होता है, ज्यादा क्रश। अच्छा, बर्फ का गोला जो खाते है तो थोड़ा दांत में लगता है, जो दांत करते है उसके अंदर, जैसे मुंह ले रहे खुल जा रहा, जैसे मुंह में डाल रहे खुल जा रहा है ना ये चीज। फ्लेवर भी अच्छा है। तो सर को हमने दोनों स्लस और सॉफ्टी का दोनों कॉन्सेप्ट बताया सर को। और सर आपको ये मशीनों का फंक्शन कैसा लगा सर? बहुत शानदार है, पूरा एकदम हाईटेक है, हाईटेक, ज्यादा परेशानी वाला नहीं है। अच्छा, चाहे तो अपन एज एम्प्लॉय के उससे भी यूज करवा सकते हैं, एम्प्लॉय को रख के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अपन खुद ही बैठना पड़े। अच्छा, और इसका मटेरियल बनाना, इसको चलाना, इसको ऑपरेट करना, तो ये इजी वर्क है या हार्ड लगा आपको काम इसका? मुझे तो बहुत इजी लगा, बहुत इजी लगा ना काम, बहुत इजी लगा। और बाकी आपके वीडियोस में तो क्लियर पूरे समझ में आता ही है, अगर यहाँ ना भी आओ तो कोई बात ही नहीं है उस चीज। तो सर को हमने सब चीज बताया, कैसे मशीन ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, मशीन में से आइसक्रीम निकाल के बताया, इसमें कैसे वर्क होता है, और आइसक्रीम का टेस्ट भी हमने करवाया कि क्वालिटी कैसा है, कैसी वर्क है, कैसी मशीन है। तो दोस्तों, इस टाइप की मशीन के लिए आपको ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए एक बार डॉल्फिन अप्लायंस में जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर आप MP से है या इंदौर या जबलपुर के सिटी से है तो सर का हम नंबर डाल रहे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सर आपको हमारे जो कस्टमर जो फ्रेंचाइजी डालने में इंटरेस्टेड है तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, पूरा बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे, और मैं उनको पूरा रिव्यू दूंगा और पूरा कैसे क्या बनाना है, और भी साथ में नई नई चीजें दूंगा उनको मैं, कैसे क्या मसाले और ऐड कर सकती हैं और क्या डाल सकते हैं और प्रोडक्ट्स में, तो वो पूरी फ्रेंचाइजी बना के देंगे कि उनके शहर में इजिली चल जाए, इजिली चल जाए, उनको कोई हेडेक नहीं रहेगा, पूरा उनको कम्प्लीट बना के दे देंगे, पूरा हर चीज का फॉर्मूला दे दूंगा मैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालूंगा मैं, मसाले वसाले हर चीज दे दूंगा, हर चीज आप उसको रेडीमेड तैयारी सब चीज दे देंगे उसको, एज अ मशीनरी भी जो उनको चाहिए मशीन अपनी तरफ से मंगवा के दूंगा, मशीनरी उसमें यूज कर दूंगा, इंक्लूड करके दे देंगे। तो दोस्तों, आप इंटरेस्टेड है ये बिजनेस के अंदर, इस टाइप का बिजनेस करने के लिए और इस टाइप की फ्रेंचाइजी डालने के लिए, तो सर का डायरेक्टली आप कांटेक्ट कीजिए, आपको टोटली इजीली गाइड करेंगे हर एक चीज के लिए, और आपको खाली अपना शॉप दिखाना है इनको, ये आपको पूरा फ्रेंचाइजी बना के रेडीमेड बिजनेस में बिठा के कंप्लीट करके आपको एक अपना बिजनेस बना के देंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे यहाँ फैक्ट्री में से विजिट किए, हमको अच्छा बहुत लगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।